ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਪਿਆਜ਼, 2 ਟਮਾਟਰ, 1 ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ 1/2 ਕਿਲੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਤੇਲ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ज़्यादातर मसाले असी खा के खुश नहीं हाँ। असी सिंपल सादी सब्जी बनाते हैं। हूँ मैं ये प्याज पा दिते ने। प्याजा नूं थोड़ा जहा सेक लवावे। थोड़ा जहा भुनन तो बाद असी ये भिंडियां पा देवे। ज़्यादा लाल नहीं करना प्याजा नूं, हल्का जहा सेक लवाना लो फ्लेम ते। सारी सब्जी लो फ्लेम ते ही बनानी है, फुल गैस ते नहीं बनानी। हुण असीं इहदे विच भिंडियां पा देंगे। देखो प्याज थोड़े जे हो गए ने नरम नरम। भिंडियां पा के उन्हां नूं भी असीं इहनां दे नाल ही भुन्नांगे। वह भी इहदे नाल ही फ्राई हो जाणगियां। जद तक भिंडियां नरम नहीं हो जांदियां उदों तक असीं इहनां नूं प्याजां दे नाल ही भुन्नांगे। जे 2 या 3 मिनट दे विच विच देखो हो गईआं ने इह नरम। हुण असीं इहदे विच टमाटर ते हरी मिर्च जो असी कट के रखा हुआ वह पा लाँगे। इन्हों नरम करके जो असी टमाटर ते हरी मिर्च पाते हैं ये लेस नहीं छड़दियाँ। और नून मिर्च असी हले नहीं पावांगे। नून मिर्च असी सब तो लास्ट विच पावांगे, हल्दी भी लास्ट विच पावांगे ता जो भिंडियां लेस ना छड़न, पानी छड़ देंदियां ने। हुण मैं टमाटर पा रही हूँ ये विच। टमाटर तुसी अपनी मर्जी ना बरीक भी काट सकते हो। मैनू वड्डे वड्डे टमाटर पसंद है इसलिए मैं वड्डे वड्डे कट के पाए है। ऑप्शनल है, जिस तरह का मसाला तुसी चाहते हो उस तरह का तैयार कर सकते हो। तो हुण असी इन्हां नूं विच विच हिलांदे रहांगे। ज़्यादा भी नहीं हिलावांगे नहीं तो बेकार बनती है सब्जी। विच विच हिलावांगे थोड़ा जहा। तो मैं हरी मिर्च कट के रखी सी वह भी मैं पा दिती है। थोड़ा जहा असी इन्हों मिक्स करके लो फ्लेम पर पकावे। तुसी इन्हों कड़छी नाल थोड़ी देर बाद करके देखो इदा दी हो जाएगी। करके देखो कट्टी जाती है यह। तो थोड़ी सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है। हुण असी इहदे विच 1 चम्मच नमक तो असी हुण इहदे विच 1/2 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, छोटा जहा चम्मच है, 1 चम्मच हल्दी बहुत है। थोड़ा जहा गर्म मसाला पावांगे चुटकी बिना। तो हुण असीं इहनूं सारिआं नूं मिक्स कर देंगे। बस 1 मिनट तक इहनूं पकावांगे, ढके बिना ही, ढकना नहीं है, इस तरह ही पकावांगे लो फ्लेम पर। 1 मिनट तक इहनूं पका के असीं सब्जी चैक कर लवेंगे। साडी सब्जी तैयार होने वाली है। बस देखो गाइस साड़ी सब्जी बन के तैयार हो गई है। तुसी इनू एनी टाइम जल्दी जल्दी बना के खा सकते हो। लाइक शेयर जरूर करना मेरी वीडियो नू।